हाय एवरीवन, मैं हूँ कीर्ति और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कीर्ति झास किचन। और ये है मेरी किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल सूप जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में विंटर स्पेशल सूप के साथ। तो ये विंटर स्पेशल सूप बनेगा ये टमाटर के साथ। ये मेरे पास है 10 टमाटर, ये है धनिया पत्ता, ये है 3 चुकंदर, ये है लहसुन की पत्ती और ये है मेरे पास गाजर। तो इन सभी को मिला के बनेगा विंटर स्पेशल सूप। तो सबसे पहले मैं इन सबको अच्छे से छांट के पील ऑफ करके और फिर इसको मैं रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। वैसे सभी को पता है कि इसको अच्छे से छांट के पील ऑफ करके और फिर इसको हम प्रेशर कुकर में एक दो विसिल होने तक पकाएंगे। तो देखिए, ये मैंने टमाटर को अच्छे से धो लिया है, गाजर को अच्छे से पील कर लिया है, ये देखिए मैंने धनिया पत्ता और लहसुन को भी अच्छे से धो लिया है और इधर मैंने चुकंदर भी रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं इन तीनों का अच्छे से चॉपिंग करूंगी और फिर मैं इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर। तो देखिए, मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है और ये नेचुरल कलर्स हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, रेड, पिंक, मरून, ग्रीन, वाइट। तो चलिए, अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया है और ये है मेरे पास लगभग 1 लीटर पानी। तो देखते हैं इसमें कितना पानी जाएगा ताकि ये जब विसल आए इसमें तो पानी ना फेंके। तो उसी अंदाज से हम इसमें पानी देंगे। ये देखिए, बस इतना कि सब्जियां हमारी थोड़ी डूब जाएं। ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसका ढक्कन लगा के गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। ये देखिए, दूसरी विसिल लग गई और गैस मैंने कर दिया ऑफ और इसको हम इसके अपने ही टेम्परेचर से कूल होने देंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये सारे के सारे बॉईल हो गए हैं और मैंने इसको छान लिया है और जो बचेगा उसको मैं मिक्सी में पीस लूंगी और बाकी सारा जो लिक्विड पोर्शन है उसको मैं अच्छे से छान लूंगी। बहुत ही डिलीशियस सूप बन के तैयार होता है। और जब तक मेरा ये वीडियो जाएगा तो नया साल आ चुका होगा, तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जो बाकी सॉलिड पोर्शन था उसको मिक्सी में चला के मैंने छान लिया है। अब उसके बाद देखिए, ये है पनीर, शिमला मिर्च और ये है लहसुन। यही है ट्विस्ट मेरे सूप का। तो हमने चढ़ाई कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा बटर डाला और पनीर और शिमला मिर्च को मैं सॉटे कर दूंगी। उसके बाद आप इसमें मैगी भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको पनीर और शिमला मिर्च के साथ ही बनाऊंगी। और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। इस तरीके से बहुत ही हेल्दी सूप बनके तैयार होता है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाल के और ये गार्लिक डाल दूँगी। चूँकि मेरा बच्चा हल्ला कर रहा था कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैंने कढ़ाई चेंज नहीं की। आप कढ़ाई को फिर से धो के चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने सूप डाल दिया, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, फिर मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया है। इस तरीके से ये जो टेस्ट है वो बहुत ही एनहांस होके आता है। फिर मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया, ये मैंने इसको बॉईल करने के लिए, सिमर होने के लिए डाल दिया। चलिए, अब हम लगाते हैं इसकी प्लेट। तो ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ सूप, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, सूप में अगर हम लहसुन का तड़का देते हैं तो उससे स्वाद हमारा और ही बढ़िया हो जाता है। ये डाला मैंने पनीर, शिमला मिर्च, आप इसमें टोफू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है इसमें शिमला मिर्च और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पनीर मैश करके। इसमें मैं डालूंगी फिर रोस्टेड तिल और ढेर सारा धनिया पत्ता, क्योंकि अभी धनिया पत्ता बहुत ही अवेलेबल है। ये देखिए,
रोस्टेड तिल, तो तिल डालने से ये और बेनिफिशियल सूप हो जाता है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये देखिए बनके तैयार है विंटर स्पेशल हेल्दी डिलीशियस सूप। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से कमेंट लिखिए, और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।